नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे एक ब्रांड न्यू 12 व्हील टिपर टाटा मोटर्स की ओर से। वैसे तो कंपनी के पास एक पूरी पूरी रेंज अवेलेबल है 12 व्हील टिपर्स की, विद मॉडल्स लाइक प्राइमा 3525, सिग्ना 3525, सिग्ना 3523, लेकिन हम पर्टिकुलरली आज फोकस करने वाले हैं सिग्ना 3525 पे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 3523 के मुकाबले 3525 में क्या क्या अंतर है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, हर एक पहलू पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए इस पावरफुल टिपर की एक छोटी सी झलक। पैंतीस टन ग्रॉस वेट के साथ ये 12 चक्का टिपर 8x4 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में उतारा गया है, डबल डिफरेंशियल और ट्विन स्टेरेबल एक्सल्स के साथ। इस सेगमेंट में मुकाबला करेगा अशोक लेलैंड की ओर से 3525, भारत बेंज की ओर से 3528 और महिंद्रा की ओर से ब्लेजो एक्स 35 टिपर के साथ। एक बहुत ही हैवी ड्यूटी लैडर टाइप स्ट्रेट फ्रेम चैसी पे आधारित है, जिसके फ्रंट में दिया गया है प्योर वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत फ्रंट फेशिया के साथ सिग्ना डे केबिन। फ्रंट फेशिया के बीचों बीच एक बड़ा सा टाटा का लोगो है। यहाँ टाटा की ब्रांडिंग, इस ओर सिग्ना की ब्रांडिंग की गई है। थ्री पीस मेटालिक बम्पर है इसमें, इसी में इंटीग्रेटेड हेलोजन हेडलाइट्स हैं इंडिकेटर के साथ, और इस पूरी पूरी ब्लैक कलर की बम्पर असेंबली को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्माइली शेप की ब्लैक कलर की ग्रिल यहाँ पे। ऊपर सिंगल पीस विंडशील्ड है जो कि बेहतर विजिबिलिटी देती है ड्राइवर के लिए। इस एरिया में बेहतर विजिबिलिटी के लिए ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी लगाया गया है, जिसके दोनों ओर हाइट मार्कर लैंप्स हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ड्राइवर साइड में 2 और को ड्राइवर साइड में 3 रियर व्यू मिरर और प्रॉक्सिमिटी मिरर्स लगाए गए हैं। ये हैं एरो कॉर्नर्स जो कि कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हवा का कटाव करते हैं जिससे माइलेज इंप्रूव होती है। इस ओर अगर आपको दिखाएं तो गाड़ी की ब्रांडिंग है 3525.k। TK वेरियंट भी इसमें अवेलेबल है। तो TK और K वेरियंट में फ़र्क सिर्फ टायर्स का है। K वेरियंट में आपको नायलॉन टायर्स मिलते हैं, TK वेरियंट में आपको रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। BS6 की ब्रांडिंग दोनों ओर दरवाज़ों पे की गई है। और ये इंडिकेटर्स क्या कुछ खास है इसके अंदर, आइए देखते हैं। कहना होगा कि जितने खूबसूरत इसके एक्सटीरियर्स थे, उतनी खूबसूरती से इंटीरियर्स पे भी काम किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत फिट एंड फिनिश के साथ एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड दिया है, जिसपे सारे कंट्रोल्स ड्राइवर के लिए इजीली एक्सेसिबल हैं। AC और ब्लोअर दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। 2 हाई स्पीड USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसमें। गाड़ी से बेस्ट पॉसिबल माइलेज निकालने के लिए 3 FE स्विचेस हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। खाली रिटर्न ट्रिप्स या लोडेड कंडीशन में प्लेन रोड्स पे लाइट मोड को एंगेज करके मिलेगी बेस्ट माइलेज। ग्रेजुअल स्लोप्स पे लोडेड टिपर को मीडियम मोड में चलाएं और लोडेड कंडीशन में स्टीप इंक्लाइंस या ऑफ रोडिंग के दौरान हैवी मोड को एंगेज करके मिलेगी बेहतरीन पावर एंड परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ चढ़ाई में शुरुआत करते समय काम आएगा इसमें लगा हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर। तो चढ़ाई में शुरुआत करते टाइम आमतौर पे जो गाड़ियां होती हैं, ब्रेक पैडल पे से पैर हटाते ही गाड़ियां पीछे की तरफ रोल होती हैं। इस फीचर के साथ 4 सेकंड के लिए गाड़ी उसी जगह पे लॉक हो जाती है और आप धीरे धीरे रेस दे के गाड़ी को ऊपर ले जा सकते हैं, तो गाड़ी रोल बैक नहीं होती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग भी है इसमें, जो कि ड्राइवर अपनी कदकाठी के हिसाब से स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकता है और मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पे सेट कर सकता है। 4 एनालॉग डायल्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है, जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी MID स्क्रीन है जो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, डेफ लेवल जैसी तमाम जानकारियाँ देता है। एनालॉग डायल्स आपको इंजन RPM बताते हैं, स्पीड, टेम्परेचर एवं फ्यूल लेवल बताते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजन है इसमें, कमिंस ISB 6.7 लीटर इंजन 9-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ। ये 250 HP की मैक्सिमम पावर और 950 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। ये मैक्सिमम टॉर्क आपको 1000 से 1700 RPM की वाइड रेंज में निरंतर मिलता रहता है, जिसके कारण आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों ही ट्विन स्टेरेबल एक्सेल्स पे पैराबोलिक सस्पेंशन दिया गया है, जिससे ड्राइवर कम्फर्ट बढ़ता है। और ये है रियल हैवी ड्यूटी चैसी, डबली रीइंफोर्स्ड फ्रॉम इनसाइड। ये बनाता है इसकी नींव को और भी सॉलिड। ये एयर टैंक्स, 2 बैटरीज मिलेंगी इसमें, पीछे बोगी सस्पेंशन है। इसका RAR भी परफेक्टली बैलेंस किया गया है परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए।
एक्सएल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एलएक्स वेरिएंट में टिपर हब यूनिट का भी प्रावधान दिया गया है। कंपनी ऑफिशियल्स की माने तो आपको इसे 5500 घंटों तक लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल डिफरेंशियल वाले इस टिपर में डिफरेंशियल लॉक भी मिलेगा। ये कीचड़, दलदल और खराब रास्तों में चारों व्हील हब्स को लॉक करके बड़ी आसानी से इस टिपर को निकाल लेता है और पीछे की ओर एंटी रोल बार देता है, खराब रास्तों पे बेहतरीन स्टेबिलिटी। 23 क्यूबिक मीटर का बॉक्स बॉडी है इसमें, इसके मुकाबले 35-23 में आपको 20 क्यूबिक मीटर की बॉडी मिलती है। 300 लीटर का पॉलीमर फ्यूल टैंक है। इसकी खास बात यह भी है कि इसमें एंटी फ्यूल थेफ्ट फीचर भी लगाया गया है जो कि टेलीमेटिक्स एनेबल्ड है। अगर डीजल की चोरी होती है, सडन फ्यूल लेवल में ड्रॉप होता है तो मालिक को तुरंत अलर्ट चला जाता है। 65 लीटर का एडब्लू टैंक है इसमें। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखते हुए 35-25 के मुकाबले 35-23 में मेजर डिफरेंस इंजन और पावर रेटिंग का है। 35-23 में आपको 5.6 लीटर इंजन मिल जाता है जो देता है 220 एचपी की पावर और 850 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। तो कहीं ना कहीं 3525 इज मेंट फॉर एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस। हाइवा का टिपिंग किट है इसमें जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बेहतरीन ब्रेकिंग के लिए ICGT एयर ब्रेक्स हैं ABS के साथ। इम्प्रूव ब्रेक लाइनर के कारण ये आसानी से गर्म नहीं होते और बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इंजन ब्रेक भी इस टिपर में दिया गया है जो कि ढलान वाले एरियाज में काफ़ी कारगर साबित होता है। सुपीरियर व्हीकल कंट्रोल के साथ साथ ये ब्रेक लाइनर की लाइफ को भी बढ़ाता है। और ये है वर्टिकल एग्जॉस्ट असेंबली। ट्रेडिशनली नीचे लगे हुए असेंबली के मुकाबले इसके अपने आप में कुछ फायदे हैं, जैसे कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ना, पत्थर कंकड़ से कोई डैमेज ना होना और वर्क साइट्स पे धुएं की वजह से धूल उड़ने की समस्या भी नहीं आएगी। बात करें मेंटेनेंस और रखरखाव की तो आपको इसे 1500 घंटों के बाद सर्विस करवाना होगा। भरोसे के तौर पे टाटा मोटर्स ने इस 12 चक्का टिपर पे 6 साल या 6000 घंटों की वारंटी दी है। कीमत की अगर बात करें तो सिग्ना 3525 की एक्स शोरूम कीमत 51,50,000 रुपये रखी गई है और सिग्ना 3523 की कीमत 49,30,000 रुपये। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेटेस्ट ट्रक्स एंड बसेस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।